हे एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आज का जो हमारा क्लास है ये हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन को समझेंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने वाले हैं। ओके, सॉरी मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया। आज की क्लास में हम सभी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को समझने वाले हैं। ओके, ओके। अब देखो, मैं आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि जो ड्रॉइंग्स होता है इसका मतलब क्या होता है। तो जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो पार्टनर्स जो है वो अपने घर में से कुछ कैपिटल अमाउंट लेकर के आते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर्स जो है वो फर्म में से कुछ अमाउंट लोन के थ्रू या फिर घर में यूज करने के लिए, मतलब पर्सनल यूज करने के लिए ले करके जाते हैं। तो वही है जो वो पार्टनर्स का ड्रॉइंग्स कहलाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि जिस प्रकार पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स के कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है तो पार्टनर्स जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं फर्म से, तो उसी प्रकार अगर उनका पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में गिवन है तो यस, पार्टनर्स को जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो देने होंगे। ओके, आई बात समझ में? पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देंगे फॉर्म को, फॉर्म जो है वो पार्टनर्स के ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, ऐसा तभी हो सकता है जब उनके पार्टनरशिप डीड में ये बात क्लियरली मेंशन हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने हैं एंड किस परसेंट के रेट से देने हैं। ओके, अगर उनके पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ भी बात नहीं लिखा हुआ है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा। ओके, हमने जाना था ना कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, जब पार्टनरशिप डीड नहीं तैयार होता है पार्टनर्स के बीच में, तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगाते हैं। एंड उसके अनुसार जब तक पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखते हैं कि उन्हें ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देने हैं, किस परसेंट के रेट से देने हैं, तब तक उन्हें कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह नहीं मिलेंगे। ओके, आई बात समझ में? तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखो, हो सकता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्लास है ये दो क्लासेस में डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो उतना बड़ा लॉन्ग वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो मैं इसे अप्रोक्स टू क्लासेस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को समझेंगे। ओके, सो लेकिन फिर भी हम कितने टॉपिक्स को समझेंगे, तो पांच तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेशन को हम समझेंगे। ओके, सो देखो, सबसे पहला क्या टॉपिक है कि जब आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट एंड समय दिया हुआ हो, ठीक है, कि ड्रॉइंग्स जो है वो कितने समय के लिए किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है, 5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है या 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है, तो उसे भी हम तो उस तरीके से हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये तो लिखा हुआ ही होगा। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे व्हेन रेट एंड टाइम इज गिवन। ओके, जब रेट और टाइम जो है वो गिवन होता है, ये तो सबको पता है कि इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब रेट और टाइम गिवन होगा तो उस टाइम पे क्या करना है, कुछ नहीं करना। जिस प्रकार से हम परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही परसेंटेज निकालेंगे, बट यहाँ पे जो है वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे। ओके, ठीक है, सपोज दैट कि एक्स कोई पार्टनर है, उसने 5000 रुपीज विड्रॉन किया है, वो भी 1 अक्टूबर को। तो देखो यहाँ पे 1 अक्टूबर को विड्रॉन किया है और उनका जो ओपनिंग डेट है वो 1 अप्रैल है, तो एंडिंग डेट क्या होगा, 31 मार्च ना। जैसे 1 अप्रैल को अगर उनका बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है, ओपनिंग डेट है उनका, ठीक है, ये ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट समझ में आती है ना, जो फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद यहाँ से जा रहा है ये 31 मार्च तक हमारा चलता है। ठीक है, अब बीच में ही इन्होंने 1 अक्टूबर को जो है वो विड्रॉ कर लिया 5000 रुपीज, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ये ड्रॉइंग पे वो ये 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक के बीच का होगा। तो ये समय कितना है, अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ होते हैं, तो ये 6 मंथ के लिए जो है वो 5000 रुपीज पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। आई बात समझ में? ऐसे ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसी तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर रहे थे, तो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, बस आपको नॉर्मल मतलब नॉर्मल बेसिक्स आने चाहिए। ओके, उसके बाद तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? सो व्हेन रेट एंड टाइम इज गिवन, तो उस टाइम पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ नहीं करना, ड्रॉइंग का जो भी अमाउंट है, ठीक है, ड्रॉइंग अमाउंट या फिर विड्रॉन अमाउंट भी बहुत जगह पे लिखा होता है, ठीक है,
ये अमाउंट होगा हमारा और इसपे जो आपको रेट गिवेन होगा, सपोज कि 5%, 6%, 7%, 8%, जो भी रेट गिवेन होगा वो रेट बाय 100 इनटू टाइम। ओके, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका मंथ में हो तो जितना भी मंथ हो, 7, 8, 9, 10 जो भी मंथ हो, ठीक है, तो मंथ बाय 12 अगर मंथ में हो तो, और अगर डेज में हो, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे लिखा हो कि विड्रॉन फॉर 7 days, 8 days या 75 days, 85 days, 95 days, मतलब जब डेज में गिवेन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जितना भी नंबर ऑफ डेज होगा डिवाइडेड बाय 365। अगर वीक में गिवेन हो तो अप्रोक्स लेके चलते हैं तो 4 weeks, 7 weeks जो भी वीक हो, वीक बाय 52। ओके, आई बात समझ में? तो ये समय था, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं व्हेन टाइम एंड डेट इज गिवेन। सपोज सॉरी व्हेन टाइम एंड रेट इज गिवेन। ओके, सपोज कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है जिसमें बस रेट दिया हुआ है, समय तो दिया हुआ ही नहीं है कि कब विड्रॉल किए थे, ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में आते हैं, 1 or 2 marks में तो बिल्कुल ही आते हैं, ठीक है, तो भूलना नहीं ये रूल को, ठीक है, अभी जो मैं बताऊंगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दूसरा क्या है कि व्हेन रेट इज रेट व्हेन टाइम इज नॉट गिवन। ओके, सो व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, ओके, रेट तो गिवन होगा ही, क्योंकि अगर रेट नहीं गिवन है इसका मतलब कि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड में बात ही नहीं हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में, तो फिर तो नहीं देना है, ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पे बात हुआ है उनके बीच में और वो टाइम नहीं मेंशन किए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में आपको, तो व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, तो क्या करना है उस टाइम पे? तो देखो, जब कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं गिवन होगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सिंपल है, जब कभी भी टाइम नहीं गिवन होगा तो आपको 6 month का ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है। ओके, ओनली 6 month का, ठीक है, कभी भी फुल ईयर का कैलकुलेट मत कर देना। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है कि एक्स इज अ पार्टनर और इसने 5000 rupees विड्रॉ किया, और कब विड्रॉ किया ये बात नहीं लिखा हुआ है, बस 5000 विड्रॉ किया ऐसा लिखा हुआ है, और इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है वो 10% है, तो लोग क्या करते हैं, बस 5000 rupees में 10000 इस तरीके से कैलकुलेट करके आ जाते हैं, ये 500 rupees बस हो गया, और सोचते हैं कि एकदम राइट मैंने बना के आया है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो 5000 rupees पे 10% के रेट से तो पूरे ईयर का कैलकुलेट कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, आपको 6 month का कैलकुलेट करना है। ओके, जब कभी भी टाइम ना गिवन हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमेशा 6 month का कैलकुलेट होता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, तो 6 month का कैलकुलेट करेंगे 6/12, 1/2 कर देंगे तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा एंड ये 250, पता है ना 1/2 कैसे हुआ, इसे सॉल्व करके, आई बात समझ में? तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा आपका ड्रॉइंग अमाउंट, जो भी अमाउंट आपको गिवन होगा, इंटू रेट बाई 100 एंड इंटू 6/12। ओके, आई बात समझ में? इंटू 6/12 ये होता है आपका व्हेन टाइम इज नॉट गिवन। ओके, देन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एक फिक्स अमाउंट जो है वो हर मंथ जो है वो कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जो एक्स पार्टनर था, इस ये पार्टनर जो है वो हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट विड्रॉ करके अपना घर लेके जा रहा है, ठीक है, एक फिक्स टाइम इंटरवल में। कभी कभी ये जो है वो फर्स्ट मंथ के फर्स्ट में विड्रॉ करता है, कभी कभी ये जो है वो मंथ के लास्ट में विड्रॉ करता है, और कभी कभी तो ये मंथ के बीच में भी विड्रॉ कर देता है, ठीक है, मतलब सीधे समझ जाओ कि ये पार्टनर जो है वो हर मंथ जो है वो ड्रॉइंग्स कर रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो थर्ड नंबर लिखेंगे हम यहाँ पे व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन एवरी मंथ। ओके, जब एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो हर महीने विड्रॉ किया जाता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि पार्टनर्स जो है वो पूरे 12 month के लिए विड्रॉ करते हैं, कभी कभी पार्टनर्स 9 month के लिए विड्रॉ करते हैं, एंड कभी कभी तो पार्टनर्स जो है वो 6 month के लिए भी विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या समझेंगे, तो इसके अंदर भी बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर पॉइंट क्या है, तो पहला हम समझेंगे कि फॉर 12 months ये जो है वो पूरा 12 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, 12 महीने में, ठीक है, अब ये फॉर 12 months में भी कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जो मंथ के फर्स्ट में विड्रॉ करते हैं, एंड कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जो मंथ के बीच में विड्रॉ करते हैं, एंड कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जो मंथ के लास्ट में विड्रॉ करते हैं, ठीक है,
तो सबका कैलकुलेशन आपको अलग अलग तरीकों से करना पड़ेगा, ठीक है, सबका अलग अलग कैलकुलेशन होगा। तो फॉर 12 months को अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर हो सकता है कि क्लास, मैंने आपको बोला ना दो क्लास में हो, तो ये वेल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन एवरी मंथ, इसे तो सीखेंगे ही। इसमें भी हम सीखेंगे क्या, पहला सीखेंगे हम व्हेन विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी, कोई पार्टनर जो है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ जब पार्टनर जो है वो करेंगे, निकालेंगे हम पैसा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा कि यही पार्टनर, मतलब मान लो तीन पार्टनर है ना, तो तीनों अलग अलग टाइम पीरियड पे निकाल रहे हैं। पहला तो पहला ही मंथ का फर्स्ट ही डेट को निकाल ले रहा है, दूसरा पार्टनर जो है वो लास्ट डेट को निकाल रहा है, और जो तीसरा पार्टनर है वो बीच में ही निकाल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लॉन्ग है एंड कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा उलझा हुआ है, तो इसे समझना अच्छे से, ठीक है। देन कोई पार्टनर जो है वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हर महीने के लास्ट में ये पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। देन सी, सी में क्या हम पढ़ेंगे कि एट द मिडिल, ठीक है, जब कोई पार्टनर जो है वो मिडिल में विड्रॉ कर रहा है, ठीक। चलो ये समझ में आता है, ये फॉर 12 months में ये तीन केस। देन हम पढ़ेंगे फॉर 9 months, उसमें भी ये तीन केस, और फिर हम पढ़ेंगे फॉर 6 months, उसमें भी ये तीन केस, ठीक है। ये होगा व्हेन पार्टनर विड्रॉ द फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ, ये मंथ वाला कंप्लीट हो जाएगा, 12 months, 6 months और 9 months का तीनों केस। उसके बाद हम क्वार्टरली वाले को समझेंगे, एंड क्वार्टरली वो हमारा फोर्थ होगा, एंड फिफ्थ नंबर जो होगा वो हम समझेंगे कि अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग अमाउंट जो है वो विड्रॉ किया गया है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम 5 तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन को समझेंगे। आई बात समझ में? तो देखो सबसे पहले अभी हम ये समझ लेते हैं, ठीक है, फिलहाल तो ज्यादा बात नहीं करना है। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको एवरेज टाइम पीरियड निकालना होगा, ठीक है, एवरेज टाइम पीरियड, क्योंकि आपको पता नहीं है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो मंथ में कितने बार विड्रॉ कर रहा है। तो देखो 1 year में हमें पता है 12 months होते हैं ना, 12 months, तो ये हर 12 month का स्टार्टिंग डेट को, मतलब 1 तारीख को जो है वो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, कब कर रहा है, हर मंथ के स्टार्टिंग में, ठीक। तो ठीक है, तो वो 12 बार विड्रॉ करेगा, जनवरी फरवरी मार्च, हर महीने का एक 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 तारीख को जो है वो जो अमाउंट है विड्रॉ करेगा, लेकिन इसका एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा। तो एवरेज टाइम पीरियड हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये बिगनिंग मतलब ये जो है वो कब कितना बार विड्रॉ कर रहा है, 12 बार, 1 year में 12 months होते हैं, ठीक है, 12 लिखेंगे, लेकिन जब भी बिगनिंग में करे +1/2, क्या करना है आपको, +1/2, एवरेज है ना, इसीलिए बाई टू, समझ में आया। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 13/2, एंड इसे आप डिवाइड करो 6.5 months, मतलब 6.5 months के लिए इसमें आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जब बिगनिंग का बात रहे। दूसरा सेकेंड जो है हमारा, इसमें क्या है कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, जब भी एंड का बात हो तब, तो इसमें भी 12 times में 12 times निकलेगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो ठीक है 12 times निकलेगा, लेकिन ये जो एट द एंड बोल रहे हैं ना, जब भी बिगनिंग बोले तो +1, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एंड जब भी एंड बोले तो -1 करेंगे एंड बाई टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 11/2, एंड इसे सॉल्व करो, ये हमारा होता है 5.5 months। तो जब कभी भी एंडिंग का बात बोले तो 5.5 months का टाइम पीरियड लेंगे, एंड जब कभी भी मिडिल का बात बोले तो कुछ नहीं करना, मिडिल बोले तो बस 12/2 कर देना आपको, ठीक है, इसमें ना कोई प्लस ना कोई माइनस, और ये हमारा होता है 6, तो ये हमारा 6 months के लिए कैलकुलेट होगा। आई बात समझ में? ठीक है, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, अमाउंट, जो भी ड्रॉइंग्स का अमाउंट होगा तो वो ड्रॉइंग अमाउंट लिखेंगे, एंड ये अमाउंट जो है वो कितने बार विड्रॉ होंगे, देखो जो अमाउंट दिया होगा वो तो बस एक ही महीना का दिया होगा ना, आपका जो है ये पूरा 12 months के लिए कैलकुलेट होगा। तो ड्रॉइंग्स अमाउंट इंटू 12 करेंगे हम, इंटू जो रेट होगा हमारा बाई 100, इंटू जो एवरेज टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट किया है 6.5 months, तो 6.5/12, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, देन आपका आता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड में आपको क्या करना है, सिंपल है, ड्रॉइंग का जो अमाउंट होगा, ड्रॉइंग अमाउंट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, लाइट भी कटा हुआ है, तो मुझे लाइट ऑन करके, अलग से जो लाइट है उसे ऑन करके पढ़ाना पड़ रहा है, और बारिश होने के कारण
थोड़ा नॉइस ज्यादा है, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। सो ड्राइंग सम अमाउंट लिखेंगे ठीक है इनटू 12, देन हमारा यहाँ पे भी रेट गिवन होगा कि रेट बाय 100 एंड अगेन हम टाइम पीरियड कैलकुलेट किए 5.5 मंथ्स, तो 5 बाय 200 ओके। देन आपका मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो इसमें भी ड्रॉइंग अमाउंट होंगे हमारे ठीक है, ड्रॉइंग अमाउंट एंड इनटू 12 भी रेट बाय 100 इनटू 6 बाय 12 हम करेंगे। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एवरी मंथ। अगर 9 मंथ के लिए होता तो सिंपल है, फॉर 9 मंथ्स अगर होगा ठीक है, इसे जल्दी से नोट कर लो, 9 मंथ्स का और 6 मंथ का मैं बता देती हूँ। जब भी 9 मंथ्स का होगा ठीक है, तो आपको क्या करना है, कर लिया ना नोट, समझ गए ना। अब देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे, जब भी 9 मंथ्स के लिए होगा ना, यहाँ टू कर दो, जब भी 9 मंथ्स के लिए होगा फॉर 9 मंथ्स, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एवरेज टाइम पीरियड है वो कैलकुलेशन आपका जो है वो चेंज हो जाएगा ठीक है। एवरेज टाइम पीरियड का कैलकुलेशन आपको चेंज करना है, सिंपल है। 9 मंथ्स के लिए है तो 9 बार विड्रॉ होगा, 9 लिखेंगे। बिगनिंग है तो +1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5 मंथ्स। तो यहाँ पे जो एवरेज टाइम पीरियड लेंगे हम, ड्रॉइंग्स इनटू अमाउंट 12 मत कर देना, क्यों, क्योंकि 9 टाइम्स ही विड्रॉ हुआ है, तो 9 हम लिखेंगे इनटू रेट बाय 100 और यहाँ पे एवरेज टाइम पीरियड 5/12। आई बात समझ में, सेम काम हम करेंगे जब भी एंड में कैलकुलेट हो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे भी 9 एंड में है तो -1/2 करेंगे तो 8/2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 मंथ्स होंगे हमारे ठीक है। तो यहाँ पे 4 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स एवरी मंथ हमारे यहाँ पे 12 नहीं 9 हो जाएंगे एंड इसी तरीके से यहाँ पे 8/100 इंटू 4/12 ओके। आई बात समझ में, सेम हम करेंगे एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ के लिए एंड यहाँ पे भी हमें क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो 9/2 करेंगे तो यहाँ पे 4.5 मंथ्स हो जाएंगे ओके। तो 4.5 मंथ्स यहाँ पे भी 9 कर दो क्योंकि 9 टाइम्स से विड्रॉ हुआ है इनटू रेट बाय 100 इनटू 4.5/12। आई बात समझ में, आई होप कि आपको मैं ये समझा पा रही हूँ। देन हम क्या करेंगे, 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा तो बस यहाँ पे 6 मंथ का एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे अमाउंट की प्लेस पे, मतलब यहाँ पे ड्रॉइंग अमाउंट इनटू 6 करेंगे क्योंकि 6 टाइम ही विड्रॉ हुआ है ना 1 ईयर में, तो 9 फिर मल्टीप्लाई मत करना या 12 मत करना ठीक है। तो 6 वाला आपका होमवर्क है, आपको 6 वाला खुद से कैलकुलेट करना है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में 6 मंथ वाले को भी समझा दूंगी ठीक है। देन हमारे ये 3rd के बाद 4th हम क्वार्टरली वाला पढ़ेंगे, क्वार्टरली वाला समझेंगे ठीक है। व्हेन अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन एवरी क्वार्टरली ठीक है, एंड क्वार्टरली के बाद हम 5 नंबर समझेंगे कि अलग अलग अमाउंट जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड में कैलकुलेट कैसे करते हैं ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया हो,